किसानों के समर्थन बिजली कर्मियों ने 4 घंटे का रखा उपवास। सरकार से 3 कृषि कानून रद्द करने की मांग। खबर हरियाणा प्रदेश की शाम न्यूज चैनल से। पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। न्यूज चैनल से। दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के लगातार 28वें दिन भी किसानों का धरना जारी रहा, जहां बहादुरगढ़ के बिजली पावर हाउस में आल हरियाणा कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन हेड ऑफ हिसार के बहादुरगढ़ यूनिट सब यूनिट के कर्मचारी किसानों के समर्थन व कृषि कानून विरोधी बिल व बिजली संशोधन 2020 के विरोध में 4 घंटे का इकवामे रखा गया। उपवास की अध्यक्षता सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बहादुरगढ़ के ब्लॉक प्रधान विजेंद्र सैनी के नेतृत्व में किया गया। वहीं राज्य सचिव बंसीलाल, यूनिट प्रधान बलबीर हुड्डा, पूर्व सकल सेक्रेटरी रविंद्र दलाल, यूनिट सचिव प्रदीप शिकारा, राकेश कुमार, विजय प्रकाश, रविंद्र नागर, अमित संतलाल, जोगिंदर, दिनेश, सुखपाल, हरीश, सुभाष, रामफूल, सुरेश आदि कर्मचारियों ने भाग लिया और सरकार से अपील की है कि समय रहते इन जन विरोधी कानूनों को वापस ले और इस किसान आंदोलन को खत्म करवाएं। सर्कल सेक्रेटरी एचपीसी वर्कर यूनियन हेड ऑफिस सर जज्जर का मैं ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आज किसानों ने लगभग 28 दिन हो गए और 22-25 किसान जो है इस धरने प्रदर्शन में मर चुके हैं। सरकार को जो है बिल्कुल भी जो नहीं रहेंगी है। सरकार कह रही है ये जो 3 कृषि कानून है ये बिल्कुल सही है, लेकिन सरकार इसमें अमेंडमेंट करने के लिए भी तैयार है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे ये सिद्ध होता है कमी तो है। सरकार कह रही भी लोगों को भी हम आपको करोड़पति बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जिन्होंने बनना वो मना कर रहे हैं, भाई जो हमने करोड़पति नहीं बनना, उनकी सिर्फ छोटी छोटी डिमांडें हैं। स्वामीनाथन आयोग की जो है रिपोर्ट लागू कर दो, जो लागत है उससे 2.5 गुना जो किसान की आय कर दो और MSP लागू कर दो। सरकार कह रही MSP लागू रहेगा, लेकिन हम भी ये समझते हैं, हम भी कहीं ना कहीं ज़मीन से किसान से जुड़े हुए हैं। MSP सिर्फ 2-3 राज्यों में है, हरियाणा, पंजाब, थोड़ा बहुत UP में। तो सरकार का जब कोटा पूरा हो जाता है, जैसे मिड डे मील में अनाज जाता है, पीले कार्ड बोर्डों को जाता है, आर्मी के लिए जाता है, उसके बाद सरकार MSP पर खरीद बंद कर देती है और सरकार उसमें जो है किंतु परंतु लगा के ना कहती है इतने क्विंटल से ज़्यादा जिसकी फसल हो उसको भी नहीं लेंगे। तो किसान यही मांग कर रहे हैं हर फसल पर पूरे देश में MSP लागू होना चाहिए। हम भी जो है उसी के समर्थन में आज जो है उपवास कर रहे हैं 11 बजे से 3 बजे तक का, जिसमें जो किसान विरोध करे बिजली संशोधन बिल 2020 का। हम बिजली विभाग से हैं, हम इससे संबंधित हैं, हमें अच्छी तरह पता है। मतलब जिस दिन ये बिजली संशोधन बिल लागू हो गया, कानून बन गया, उस दिन हर गरीब आदमी या हर पैसे वाला आदमी इससे इफेक्ट होएगा, जैसे खाने वाला किसान से इफेक्ट होएगा। इसमें जो है प्राइवेट बिजली हो जाएगी, सभी कर्मचारी प्राइवेट हो जाएंगे और जो है प्राइवेट आदमी का आपने पता है शोषण करेगा कर्मचारी का और जो है पूरा सिस्टम बिजली विभाग का होगा, लेकिन मालिक जो अलग अलग होंगे, बिजली के रेट अलग होंगे, स्मार्ट मीटर लग जाएंगे, उसमें जो है लोड के अनुसार टैरिफ बदल जाएंगे। इससे जो है हर आम उपभोक्ता को महंगा पड़ेगा और मेन बात इसमें जो कृषि के जो ये किसान जो है बिजली के बारे में विरोध कर रहे हैं, हर उसमें जो है लगभग 6,000 रुपये जो है पर मंथ का जो इन्होंने बिल भरना पड़ेगा। जो आदमी आज 10 पैसे यूनिट का बिल नहीं भर सकता उसको 6,000 वो कहाँ से लेगा। सरकार कह रही है सब्सिडी जो है आपके अकाउंट में आएगी, लेकिन जैसे उदाहरण है इसका सिलेंडर का, गैस के सिलेंडर का, जैसे आहिस्ता आहिस्ता गैस के सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म कर दी, ऐसे ही किसान की जो है बिजली की सब्सिडी खत्म कर देंगे। इससे जो है किसान पूरी तरह मारा जाएगा। उसके बाद एक छोटी सी बात हो रहा है, अगर किसान का कनेक्शन कट गया तो उसका कनेक्शन जब लगेगा, जब उससे पहले जो मान लो 1,000 किसानों ने अप्लाई कर रखा है नए कनेक्शन के लिए, तो उसका 1,001 नंबर आएगा। मतलब किसानों की समस्या जो है उनको परेशानियां बढ़ती ही चली जाएंगी। बिल्कुल बढ़ती चली जाएंगी जी। आज किसान हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन संबंधित अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ और इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर आज सभी यूनिटों पर आज विरोध प्रदर्शन है और ये विरोध प्रदर्शन ना होते हुए जो हमारे 28 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके समर्थन में हमारा 11 बजे से लेके 3 बजे तक का उपवास है। और आज इसके साथ साथ जो किसान दिवस भी है और किसानों की जो 28 दिनों से लड़ाई जारी है सरकार की और किसानों के बीच में, वो किसान अपनी मेहनत का जो हक है उसको लेने के लिए लड़ रहे हैं, ना कि कोई अलग से मांग। जो कानून सरकार ने लागू किए हैं 3, सरकार उनको वापस ले, क्योंकि किसानों ने ये समझ में आ गया कि ये किसान हित में नहीं है
इसलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं कि सरकार इनको रद्द करे, और हम भी इनका किसानों का समर्थन करते हैं अगर सरकार इनसे जल्द से बातचीत करे और जो ये कानून बनाए हैं सरकार इनको रद्द करे। अगर बनाने हैं सरकार ने इनसे संगठनों से बातचीत करे और उस पर विचार करके उसको बनाए, बाद में उसको विचार हो सकता है। फिलहाल सरकार इन कानूनों को रद्द करे और आम आला हिणा पारकर सबर यूनियन की तरफ से आज उनके समर्थन में उपवास रख रहे हैं और हमारे सभी साथी आज उपवास पर बैठे हैं, और ये जो भी केंद्रीय नेतृत्व आह्वान करेगा उसका हम पूर्ण रूप से पालन करेंगे।